हेलो एवरीवन, बहुत लोगों को है कि आप वीडियो बनाओ इनफर्टिलिटी के ऊपर। ज़्यादातर केस ऐसे हैं जिनका एक बेबी हो चुका है 8 महीने साल पहले 6 साल पहले, अब ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। उनको तो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है सिवाय थायराइड और प्रोलैक्टिन के, और कुछ हो ही नहीं सकता। कोई नई बीमारी जल्दी जल्दी नहीं होती। पहले इसको ठीक करो, थायराइड टेस्ट कराओ, प्रोलैक्टिन टेस्ट कराओ, HB अपना खून टेस्ट कराओ, ब्लड शुगर करा लो अगर एज है तो, खाली पेट। ये 4 टेस्ट अपने 6-6 महीने बाद कराते रहो, और बीच के दिनों में एग बनता है ये मालूम होना चाहिए। जैसे ये मेंसेस आए, पहले 10 दिन होती नहीं है प्रेगनेंसी, फिर बीच के 10 दिन में होती है, लास्ट के 10 डेज में फिर नहीं होती। इसमें एक दिन छोड़ के मिलना है। और तीसरी बात जानने की है कि गर्मियों में नहीं होती हमारी, जहाँ गर्मियाँ होती हैं वहाँ गर्मियों में प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छी डाइट खानी है, खुश रहना है, घर वालों को मना करके रखना है कि आपसे पूछे नहीं, है ना। जब तुम्हारा एक बार हो चुका, चाहे 2 दिन का हुआ, तुम्हारा तो 2 महीने का भी हो गया, उसके बाद अबॉर्ट कर गया, तो इसका मतलब एग ठीक बनता है, स्पर्म ठीक है, ट्यूब ठीक है, जो 3 मुश्किल काम है वो तो आपके ठीक है। अब इसके बाद रह गया उसको आगे सिरे चढ़ना, अबॉर्शन होना। कोई ऐसा नहीं है कि अब लेडी के अंदर डिफेक्ट है, वो जो स्पर्म और एग मिलते हैं वही ठीक से मिलते नहीं है, कई बार ठीक से नहीं मिलते हैं। इसको मैं बताती हूँ कि ऐसे 2 हैं, एक एग है और एक स्पर्म है ना। ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, और नंबर दिया हुआ है हम लोगों ने, 1 से 1 में जुड़ना चाहिए, ऐसे 2 से 2 जुड़ना चाहिए, 3 से 3 जुड़ना चाहिए, तब ये एग बनता है जिसको हम एग कहते हैं। तो ये ही सही नहीं बनता, ऐसे अलग अलग हम टेस्ट करें एग ठीक है उसको, हम कुछ और नहीं टेस्ट करना है, स्पर्म में टेस्ट किया है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो वो मिलना ठीक तरह से नहीं होता। जैसे अगर 5 उंगलियों को 5 उंगलियों से जोड़ के दिखाओ, ऐसे जोड़ना देखो कितना, अगर एक एक खट से जोड़ो इसको, ऐसे नहीं, गलत जोड़गी ना तो ये जो गलत जुड़ जाते हैं वो अबॉर्ट कर जाते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। और ज़्यादातर 90% जो अर्ली अबॉर्शंस होते हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, मीन्स कि वो ठीक बना ही नहीं था। हमें एक पौधा चाहिए होता है, हम 6 बीज डालते हैं क्योंकि 6 में से 1 ठीक होने के चांस होते हैं। तो हमारे में कम से कम 2 में से 1 50% तो अबॉर्ट करते ही करते हैं। इसलिए अबॉर्शन वालों को बिल्कुल परेशानी होना, उनको तो खुश होना है कि हमारे अंदर बेसिक जो मुश्किल डिफेक्ट हैं वो तो है ही नहीं। अब जो हो सकते हैं बाद में, जो लेडी के अंदर हो सकते हैं ये तो हुआ उसका फैक्टर, अब मदर का इसका फैक्टर है जो हर बार होना है, चाहे एग अच्छा हो चाहे खराब हो, वो सिर्फ थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, ब्लड शुगर है, टेंशन है, गर्मी है, आपकी गर्मी में आप रहते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, मेल्स की गर्मी से फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये 6 महीने इसलिए करवा चौथ मनाते हैं। स्ट्रेस वो वाला, तुम्हारा स्ट्रेस जो रूटीन जिसमें नींद आ गई, वो स्ट्रेस कुछ नहीं, स्ट्रेस वो होता है जैसे ये अभी रो पड़ी, मतलब जिसमें रोना भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, वो स्ट्रेस तो फिर भी नुकसान देता है। ऐसे रूटीन काम करने का स्ट्रेस है, ये नहीं हुआ, दौड़ते भागते कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, उसके बिना भी कोई वो नहीं है। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस वालों के बच्चे नहीं होते, घर वाले ऐसे मानेंगे नहीं ना, कहेंगे अच्छा दुनिया इतना स्ट्रेस कर रही है। अच्छा स्मोकिंग नहीं करते, ये आपकी अच्छी बात है, इसलिए हो जाएगा। स्मोकिंग बहुत, मेल्स का 2 बड़े फैक्टर हैं, एक तो स्मोकिंग और एक जो गर्मी में रहते हैं, तो सर्दियों में आते अपने आप हो जाती है। हाँ, स्मोकिंग छोड़ दें, जब तक स्मोकिंग नहीं छोड़ते हस्बैंड प्लान ही मत करो, गुटखा पान मसाला कुछ भी। अब वो घर वाले मतलब मानेंगे नहीं, फलाना पीता है, और फिर भी तो हर एक की अलग बात होती है, एक जना मिर्च खाता है उसको एसिडिटी होती है, एक खाता नहीं होती। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है वाइफ को, तो सबसे पहले स्मोकिंग तो छोड़ो, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, बच्चे को कैसे पालोगे। स्मोकिंग छोड़ने की मैं दवाई दे सकती हूँ, डॉक्टर्स होते हैं देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एक्चुअली छोड़ते ही बहुत डिप्रेशन होता है इसलिए छोड़ नहीं पाते, फिर सोचते हैं कल छोड़ेंगे, आज ज़रूरी काम करना है, ऐसे रोज़ पोस्टपोन हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए सिंपल सी एक दवाई होती है, मूड एलिवेटर होती है, ताकि उससे आपका मूड ठीक रहे, चिड़चिड़े ना हो। और वाइफ को ध्यान रखना पड़ेगा कि 5-7 दिन वो चिड़चिड़े रहेंगे, सिर्फ 1 हफ्ते की मेहनत है स्मोकिंग छोड़ना। 1 हफ्ते आपको तकलीफ होगी, आप गोली खा के सोते रहो, बस 1 हफ्ते में वो शरीर से निकल जाएगी। स्मोकिंग से क्या होता है कि वो आप पहली बार तो आपने शौकिया पी ली, अब क्योंकि उससे मूड एलिवेट हो रहा है तो बॉडी में अंदर से मूड एलिवेशन के लिए हार्मोन्स नहीं बन रहे,
ठीक है, अब जब छोड़ दोगे तो ना अंदर से बन रहे ना बाहर से आपने लिया, तो सडनली उसे बहुत डिप्रेशन चिड़चिड़ापन होता है, तो घर वालों को वो झेलना पड़ता है, कोई बात नहीं है, उसको तरह तरह की और चीज़ें देनी पड़ती हैं, काम से छुट्टी लेके 7 दिन गोली खा के सोते रहो, स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला, ड्रिंक करना सबसे नुकसान होता है और सब छूट भी जाती है, और बच्चे का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब मेरी तो इतनी बातों से ही छूट जाती लोगों की, और कोई नहीं छुड़ा पाता, जैसे कि ये बच्चे के लालच में बंदा छोड़ देता है कि अच्छा, और क्वालिटी भी ख़राब होती है अगर हो भी जाए, और मेल बेबी तो बिल्कुल मुश्किल से होता है जिनको स्मोकिंग करते हैं, मेल बेबी करना है स्मोकिंग छोड़ो, अच्छा खाना खाना शुरू करो, फॉलिक एसिड दोनों के लिए ज़रूरी है, फॉलिक एसिड की एक टैबलेट शुरू करो, Fol 1 2 3 एक दिन छोड़ के मिलना, ये भी नहीं पता कि डेली नहीं मिलना होता, स्पर्म बनने में 2 दिन लगते हैं, तो ये फॉलिक एसिड जो कि धनिया पुदीना कड़ी पत्ता तुलसी आंवला हरा प्याज, आजकल हरा प्याज आता है, स्प्राउट्स, ये अच्छा खाना खाना शुरू करो, मंदिर जाना शुरू करो, पूजा पाठ करना शुरू करो, अपने आप ठहर जाएगा, विश्वास करो भगवान में, मतलब विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है, विश्वास में भी यह होता ना, हे भगवान दे दे, हे भगवान दे, वो नहीं होता, वो है कि हो जाएगा, मतलब उससे मन वैसे शांत हो जाता है, एक अच्छी बात है, रात को खाना खा के अपने चले गए, मंदिर जाने का एक अच्छा इफेक्ट देखा है मैंने, कि खाना खा के हस्बैंड वाइफ को वैसे भी खाना खा के एक बार जाना चाहिए, मन की बात निकलती है, आपस में होती है ना, मोबाइल छोड़ के। तो फिर से बताती हूँ कि ये 4 टेस्ट करा के मुझे कॉल करें, जिन लोगों को कंसेप्शन नहीं हो रही है, हमारा नंबर है 9815681807। ये शाम को हम लोग करते हैं, और तुम लोग फ़ोन नहीं उठाते, बहुत कंप्लेन आ रही है। एक ब्लड शुगर फास्टिंग कराएं, थायराइड प्रोफाइल कराओ, प्रोलैक्टिन कराओ, HB कराओ, जिनका एक बार हो चुकी है प्रेगनेंसी, चाहे 2 दिन की हो, उनको इससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अब वहाँ पे ठंडे कंट्रियों में गर्मी में होती है प्रेगनेंसी, तो वहाँ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हमारे यहाँ सर्दियों में होती है, हम करवा चौथ मनाते हैं। घर वाले तो टेंशन नहीं दें, उनका इलाज कराओ, उनसे मेरी बात कराओ, मैं यही सेम बात जब मेरे मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। एक बताना कि हाँ, फिर से मैसेज आ गया, मम्मियाँ बहुत फ़ोन पे आजकल पूछती हैं।